गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। तो भैया आज आपका इंग्लिश का पेपर था और अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंग्लिश का पेपर आपका कैसा हुआ। और अभी तक जो मेरे पास फोन कॉल्स और मैसेजेस आए हुए हैं उनमें से सभी बच्चों का कहना है कि इंग्लिश का पेपर सर हूबहू वही आया जो आपने जो है पढ़ाया हुआ था। और पढ़ाया हुआ था पूरे साल की क्लास की बात नहीं हो रही है, जो क्रैश कोर्स और रिवीजन सीरीज की क्लास में चला हुआ था वहीं से सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। और जितने भी सेट अभी तक मेरे पास आए हुए हैं जो आप लोग भेजे हैं तो उसमें हमने 6-7 सेट का एनालिसिस किए। 6-7 सेट में सभी सेट के प्रश्न हूबहू वही हैं जो आपकी क्रैश कोर्स और रिवीजन सीरीज की क्लास में चले हुए हैं। तो भैया इसी तरह से क्लास 12th के भी बच्चों का पेपर 100% पेपर मैच किया हुआ था, सेम उसी तरह से आपका भी 100% पेपर मैच किया। और कुछ सेट में तो अनसीन पैसेज भी मैच किया हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात यही है कि अनसीन पैसेज ऐसा पैसेज होता है जो रिपीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है अनसीन पैसेज भी आपका मैच किया हुआ है। नाम सुनिए, अनसीन पैसेज है जिसे आपने कभी जो है ना देखा हो, लेकिन आपकी सर जी ऐसा पैसेज कराए हुए थे कि जो है वही पैसेज आ गया। तो समझ सकते हैं आप लोग भरोसा जो बनाए रखे थे उस भरोसे का आप लोग देखे होंगे कितना आपको बेहतर रिजल्ट मिला। तो प्यारे ये जो आप लोगों का प्रेम था, स्नेह था, जो इतना आप लोगों ने भरोसा कर रखा था, इसी भरोसे की वजह से सारी चीजें अच्छी होती हैं। और क्लास 12th के भी बच्चों का हूबहू इसी तरह से 100% पेपर मैच किया हुआ था। तो भैया चाहे आप सभी प्यार बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे लगातार फोन कॉल मैसेज कर रहे हैं तो भैया फोन कॉल्स जो बच्चे कर रहे हैं फोन कॉल्स अभी आपके रिसीव नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन आप सभी प्यार बच्चों के मैसेज का रिप्लाई अभी जो है शाम तक सभी बच्चों का मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। तो भैया जो है आप लोग कमेंट करके जो है बताना कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ और क्या वही आया था जो हमने रिविजन सीरीज और क्रैश कोर्स की क्लास में कराए थे। आप लोग कमेंट करके बताना, ऐसे सज्जी के कहने से आप मत मान जाना, आप कमेंट करके बताना कि क्या वही हूबहू पेपर आया था या उससे कुछ अलग आ गया था। तो भैया जो है बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों का। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करें और अगला जो पेपर है अगले पेपर के लिए पूरी जी जान से जुट जाएं। और इसके साथ साथ आपके लिए एक बड़ी और खुशखबरी है। तो प्याचे खुशखबरी ये है कि आपका 11th का एडमिशन आज से ही आपका स्टार्ट हो रहा है और 11th में आपकी फीस नहीं बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से 10th और 12th की फीस बढ़ गई है, 699 में 700 रुपए हो गई है, लेकिन क्लास 11th की फीस नहीं बढ़ेगी। क्लास 11th की फीस 499 रुपए ही रहेगा। तो भैया आज से आपका क्लास 11th का एडमिशन भी शुरू हो रहा है, तो आप लोग जो है आज से अपना एडमिशन क्लास 11th में करा सकते हैं और आपकी फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। क्लास 11th में फीस आपकी 499 रुपए ही रहेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छी बात आपके लिए हो गई। तो आप लोग आज से ही अपना एडमिशन क्लास 11th में करा लें, क्योंकि भैया जिस तरह से आपने 10th की बोर्ड परीक्षा दी हुए हैं उसी तरह से आपको क्लास 12th की भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए आप क्लास 11th और 12th 11th से ही मेहनत की रहेंगे तभी 12th में भैया अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो भैया जो है आपका जब पेपर समाप्त हो जाए कंप्लीट हो जाए तो पूरी ईमानदारी से आप क्लास 11th में लग जाइएगा और आपकी क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। आज से आपका एडमिशन शुरू हो रहा है, मींस जो है 4 मार्च से आपका एडमिशन शुरू हो रहा है और 30 मार्च तक आपका एडमिशन चलेगा। 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगी। तो 20 से 25 दिन एडमिशन होगा, उसके बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो 20 से 25 दिन में जिन बच्चों का एडमिशन कराना हो आप करा ले सकते हैं और जो है आप आज ही एडमिशन करा सकते हैं भैया, ठीक है। आज से आपका शुरू हो गया, सबसे बड़ी बात फीस में बढ़ोतरी आपका क्लास 11th में नहीं होगा। यही बिग अनाउंसमेंट आपके लिए था। और क्योंकि क्लास 10th और 12th की फीस बढ़ गई है उनका एडमिशन 699 में हो रहा है। तो भैया ये सारी चीजें हो गई। बाकी सभी प्यार बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी प्यार बच्चे हमारे ऊपर भरोसा किए और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग लगे रहे, पूरे सत्र लगे रहे। और जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लिए थे सभी बच्चों का धन्यवाद। बस आप लोग मेहनत करें और सारी चीजें इसी तरह से आपको मिलती रहेंगी।
जिस तरह से इस वर्ष का पेपर मैच हुआ है, इसी तरह से आपको हर वर्ष का पेपर मैच मिलता रहेगा। और आप लोग गलत रूमर ना फैलाएं कि सर जी को पेपर पहले से मिल जाता है, तो इसलिए जो है सभी वहीं से आ जाते हैं भैया, बिल्कुल पेपर ऊपर नहीं मिलता है, तो इसलिए आप लोग गलत रूमर ना फैलाएं। तो बच्चे भी सेशन समाप्त करते हैं, आप लोग जाकर के अगले पेपर की तैयारी करिए, और पुनः जो है आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और खूब ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और मेहनत करें ताकि आप अपने माँ बाप के नाम को रोशन कर सके। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बाकी प्यार चेत, जय सियाराम, जय सीताराम।